ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपने बचपन की यादों की तरफ। ये देखिए सिटी, ये मिट्टी की सिटी है, ये मिट्टी से बनी हुई सिटी है। बड़ों को राम राम, छोटों को सलाम। दिस इज प्रिया सिंह, दिस इज मोहिनी सिंह, एंड वी वेलकम यू टुगेदर इन आवर यूट्यूब चैनल नेम बिहारी बनी। सो हम आपको लेके आए हैं फिर से बिहार की सबसे अनोखी जगह पे, सोनपुर मेला, जिसे हरियर क्षेत्र का मेला भी बोला जाता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और इस मेले में ना सुई से लेके हाथी तक सब कुछ मिलता है। तो आज देखते हैं कि सुई से लेके हाथी तक में हम लोग क्या क्या लेते हैं। लेकिन हमारे इस मेले के घूमने में ना एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट मोहिनी बताएंगी। और वो ये ट्विस्ट ये है कि ये पूरे मेले को हम आपको बस घूम के दिखाएंगे, बस ये 300 रुपए में। ₹300 का ये चैलेंज भैया, 300 रुपए में आजकल क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता। तो आपको इतने बड़े मेले में बस आपको 300 रुपए देखने को मिलेंगे, और इसी में हम खाएंगे, आपको घुमाएंगे, और हम खरीदेंगे बहुत सारे कुछ, क्योंकि बजट फ्रेंडली हम लोग, आप लोग सब जानते हो हम लोग जो भी करते एकदम बजट में करते हैं। तो आज का ये मेला भी हम लोग घूमेंगे बस 300 में। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो शुरुआत करते हैं बिहारियों की जान प्राण जिसमें बसी हुई है, वो है थिएटर। अभी हम लोग आए हुए पायल एक नजर थिएटर में, और आपको इस थिएटर में काजल, सोनम, प्रीति, स्वीटी, सबनम, सानिया, दिया, रीना, सारे कलाकार आपको इस एक ही थिएटर में मिल जाएंगे एक साथ। रीना डीका सारे के सारे मिलेंगे, और सबसे खास बात ये की आज स्पेशल जो है उनको 100 लग रहे हैं, VIP 500 एंड सुपर स्पेशल वाले को 250। आप आइए, आपको कौन से वाले में जाना है वो आप सोच लीजिए। हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास बस 300 ही है। तो हम लोग इसमें वेस्ट नहीं कर सकते वैसे। और इसकी टाइमिंग है रात की, और आप रात में आइए तो आपको थिएटर का मजा लेने के लिए जरूर मिलेगा। भैया बिहारी है तो थिएटर ही देखने आते हैं बहुत है यहाँ पे, हमें पता है कि नहीं। आइए और थिएटर देखिए जरूर, बता लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कालीन, पायदान, सब कुछ वाली बात सच हो रही है। काफी बड़े बड़े कालीन भी हैं और छोटे छोटे पायदान भी है, हर रेंज के आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। कैमूर से आए हैं? अच्छा, और क्या है इसका दाम का रेंज क्या है, प्राइस रेंज कितना है यहाँ पे? 120 रुपए से लेकर डोरमेट, ये आपको पड़ेगा 8 रुपया तक डोरमेट, और कालीन 2000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक। अच्छा, तो कुछ ऐसा मतलब कैमूर की कुछ खासियत लाए यहाँ पे? ये जो है ना, ये जो पार्ट जो होता है पटवा उससे बनाया गया है, और ये कॉटन है, कॉटन पे बनाया गया, ये आसन के लिए शुद्ध चीज होता है। अच्छा, आसन पूजा के वक्त जो करते हैं मिलेगा रक्ष में। अच्छा, जो अपने इसका क्या प्राइस? इसका 250 रुपया। तो आप शुरू से आए हुए, मेला जब स्टार्ट हुआ था तभी? हाँ, हम आए हुए थे 15 तारीख से। और कब तक रहेंगे? चलिए बहुत अच्छा, कैसा चल रहा है सब कुछ यहाँ पे? मिला जुला के ठीक है। अच्छा, तो बिहार पसंद है? चलिए वेरी गुड, थोड़ा सा बोल दीजिए हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए थैंक यू। तो चलिए कालीन के बाद आपको लेके चलते हैं कहीं और। दादी आप क्या बना रही है, ये क्या बना रही है? ये पेपर मेसी का बना रहे हैं, पेपर मेसी आर्ट है। अच्छा जी, इसको किस चीज से बनाते हैं? ये न्यूज पेपर को पानी में भिंगा करके इसको 40 वर्षों से कर रहे हैं। 40 साल से। तो आपका ये सामान कहाँ कहाँ और जाता है, बाहर बिहार से बाहर भी जाता है? बहुत सारा जगह जाते हैं, मेरा सामान देश विदेश हर जगह जाता है। अरे वाह, तो दादी का सामान देखिए, इतने सारे जगह देश विदेश में भी दादी की चीजें फेमस है। और दादी ये बताइए ये क्या है? ये डोली हुआ, ये डोली जो आप, हाँ जी, पहना है ये राधा जी जी, पानी लाने के लिए जा रही है। ये बनाए जो 800 का है, जैसे गमला हो गया 850 का है, गाय हो गया 500 का हो गया, हाथी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपने बचपन की यादों की तरफ। ये देखिए सिटी, ये मिट्टी की सिटी है, ये मिट्टी से बनी हुई सिटी है। अच्छा, इसे बचाते हैं, इससे बच गया, मेरे से नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? ये वाला खराब है।
घर का पता बिल्कुल ठीक है। स्किन का प्रॉब्लम, लिवर से संबंधित, हेयर से कोविड संबंधित, किसी प्रकार का 10 का 4 काफी सस्ता, इसे आप अपने घर में ले जाइए और बजा दीजिए। तो आप देख सकते हैं अभी कितनी ज्यादा भीड़ है हमारे पीछे। आज संडे है और संडे को यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, आप संडे को मत आइए। वैसे भी ये मेला खत्म होने के कगार पे है और हम लोग थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहते हैं। बट अभी भी यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, तो लोकप्रियता देख सकते हो आप सोनपुर मेले की कितनी ज्यादा है। रैंडम डे अगर आप किसी और डे आते तो आपको इतनी, अगर रैंडम किसी और डे आप अगर आते तो आपको इतनी ज्यादा लगेगी, लेकिन संडे को यहाँ बहुत भीड़ रहती है। ₹5 ₹5 ₹20 ₹20 यही यहाँ पे हाल हुआ हुआ। अभी भैया ₹5 ₹20 में सारे सामान मिल रहे, तो इस हिसाब से 300 में तो हम लोग पूरा मार्केट ही खरीद के जाएंगे घर। आप यहाँ देख लीजिए यहाँ कितनी सारी चीजें मिल रही है, लेकिन बहुत सस्ती और बहुत ज्यादा भीड़ है अंदर में। ₹5। तो यहाँ हमारी मोहिनी जी ने पहली चीज खरीद ली है चूड़िया। तो 300 चैलेंज में से मैं पहली चीज ले ली हूँ, ये चूड़िया। ये कितने की है भैया, ये कितने की है? ये 40 में 2 है, इसमें 2, तो मैं ये लेने जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बताइए कि कैसे लग रही है मेरे हाथ में। प्रिया जी आज 300 के चैलेंज में से अपनी फर्स्ट शॉपिंग करने जा रही है, आइए देखते हैं। मेरे 300 रुपीज चैलेंज का ये चीज है, मोहिनी ने ली चूड़ी तो मैंने लिया चूड़ी रखने वाला स्टैंड, और ये बस 40 रुपीज का ही है। मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है और स्ट्रॉन्ग भी है। ₹10 का मुझे ये बहुत पसंद आ रही है। आग बंद कर रही है, खोल रही है, आग बंद कर रही है, खोल रही है। ये मिरर है एक्चुअली, ये देखिए लड़कियों के लिए बहुत काम की चीज है। तो ये मैं ले रही हूँ, और इसके साथ ये ईयरबड्स और ये टूथपिक्स भी काफी अफोर्डेबल है, सारे बस ₹10-₹10 में। भैया मैं ये तीनों ले रही हूँ, ठीक है 30 हो गए। बैग मिलेगा 40 उधर गया एंड 30 उधर गया, 70 खत्म हो गए मेरे। आगे आगे देखते, अभी तो मैं इधर ही फंसी हुई, वो भी पूरा मेला बचा हुआ है। 300 चैलेंज में से मैं अपनी सेकंड चीज लेने जा रही हूँ, ये छन्ना। ये अपनी मम्मा के लिए ले रही हूँ, क्योंकि उन्हें पूड़ियाँ बनाना और खाना खिलाना बहुत पसंद है, इसीलिए। आंटी कितने में देंगी इसको? 40 रुपये लगता है मुझे, 40 रुपये का चैलेंज ही करना चाहिए था, सब कुछ 40 रुपये में मिल रहा है। ये इतनी ज्यादा काम की चीज है कि इसे मैं भी ले रही हूँ, किसके बिना हमारा गुजारा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये दे दीजिए भैया। ₹20 मेरे चले गए ये गोली उड़ाने में, पट से हेडशॉट लग गया, लेकिन मेरा सारा का सारा लगा इसका, और एक बचपन की यादें ताजा हो गई। कितने भैया? ₹100 बस, मेरे को दे दीजिए। क्वालिटी सही है ना? एक बार अंदर मुझे चेन को खोल के दिखा दीजिए, कितना चेन है? 2 चेन। अरे वाह, अरे वाह, इसमें 2 चेन है, 100 में इतना बेस्ट। यहाँ पे कोई भी आप पर्स लीजिए, सब 100 रुपीज में है, ईच एंड एवरीवन। स्टील डील है भैया, कलर देखो आप लोग सही है ना? बाकी और कलर्स थे पिंक एंड रेड, बट मुझे ये अच्छा लगा, इट्स फंकी। थोड़ा तो कम कीजिए, ये कुछ भी कम नहीं कर रहे, थोड़ा सा भी कम नहीं कर रहे, 100 में ही दे रहे। बस 4 या 5 साल पहले जब मैंने अपने 10th का एग्जाम दिया था 2013 में, तो 6 साल हो गया, सॉरी, तो 2013 में मैं फर्स्ट टाइम आई थी सोनपुर मेला घूमने, और मैंने तब मन्नत मांग ली थी कि अगर मेरे 10th के जो मार्क्स हैं वो 90 से अबव आए, तो मैं यहाँ वापस ज़रूर आऊँगी। एंड मेरे
मार्क्स 93% आए थे, तो मुझे मन्नत पूरा करना था और आज 6 साल के बाद मैं मन्नत पूरी करने आई हूँ। थोड़ी लेट हो गई हूँ लेकिन फाइनली मैं आ गई हूँ। तो ये मंदिर फेमस थी, वो पूरी ये सोनपुर उसी से जुड़ा हुआ है। तो ये हरिहरनाथ का मंदिर अभी हम लोग जाने वाले हैं, मेरी मन्नत भी पूरी करनी और इसी बहाने आपको भी थोड़ा टूर करवा देंगे। ये देखिए हमारा प्रसाद, अब मंदिर में जाएंगे हम लोग पूजा करने के लिए। सोनपुर मेले में से एशिया के सबसे बड़े मेले में कितनी सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन मेरी माँ भी मेरे साथ आई है और वो पता है आज क्या खरीद के जा रही है। आइए मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। हरा धनिया, गांव का सबसे बढ़िया धनिया, ये धनिया खरीद के ले जाएगी और चटनी बना के खिलाएगी। गाँव का देखिए, बिहारी बनने के घर आई और धनिया की चटनी खा के जरूर जाइए। अब हम लोग आज जा रहे हैं झूला झूलने, नुपुर खरीद रहे हैं। 30 rupees पर पर्सन प्राइस है हमारा झूला है ये देखिए। अब मेले में आए हो और आपने झूला नहीं झूला तो फिर क्या झूला है, बिना झूले के मेला पूरा अधूरा होता है। तो आइए झूला झूलते हैं हम लोग और आपको बताते कैसा लगा आ करके। सर घूम रहे हमारा पूरा चक्कर आ गए घूम घूम के, बताइए किसकी फेवरेट नहीं होती है, ये है बांस की अचार, बांस की कोपल की अचार। तो टेस्ट करके बताती हूँ कैसा लग रहा है, बहुत टेस्टी है ये। तो सोनपुर मेले में अचार भी मिलेगी आपको, हर वैरायटी की अचार, हर वैरायटी की अचार मिलेगी। देखिए यहाँ से बहुत सारे अचार है, तो आइए मैं अचार में 300 चैलेंज में मैं अचार लूंगी। अब तो फाइनली अचार के साथ मेरी 300 की चैलेंज कंप्लीट होती है। अब ये स्माइली वाला पर्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कौन सा वाला लूँ कौन सा वाला लूँ, ये रिंग भी है और कॉइन पर्स भी है, तो मेरा सिक्का बहुत इधर उधर हो जाता है, बहुत कम आएगा। चिल्लड़ बैग, अभी अभी 30 रुपये जाने वाले मेरे बिस्लरी के बॉटल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है। तो मेरे 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। अरे बिल्कुल, हमारा 300 का चैलेंज फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। आप बिहारी बनने के घर आई है, धनिया की चटनी खाइए, अचार खाइए, हाँ हाँ चटकारे वाले। और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है बिहारी बन्नी एंड फेसबुक आईडी भी है बिहारी बन्नी। सो प्लीज हमें फॉलो करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे आ पाए। और आप अगर चाहते हो कि हम हर आने वाली चीज़ों को कवर करें, मे भी थोड़ा सा लेट हो गया बट उतना चलता है यार, तो कवर करें, तो हम दोनों को सपोर्ट करते रहिए। ओके बाय बाय, लव यू गाइस, लव।